छत्तीसगढ़ समेत मध्य भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी रायपुर स्थित NHMMI अस्पताल लगातार लोगों को उनकी सेहत और सेहत की सलामती के लिए जागरूक करने का काम कर रहा है। विश्व में बड़ी गंभीर समस्या ब्रेन स्ट्रोक यानी कि लकवे को लेकर 29 अक्टूबर विश्व लकवा दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष आयोजन किया गया। रिपोर्ट देखें। NHMMI में ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवे को लेकर विश्व लकवा दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष परिचर्चा का आयोजन किया गया। सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर HP सिन्हा और डॉक्टर प्रशांत कुमार ने इस मौके पर बताया कि इस गंभीर स्वास्थ्य समस्या से हर साल करीब 12.5 करोड़ लोग ग्रस्त होते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग तो जानकारी के अभाव के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, वही बहुत सारे लोगों को पूरी जिंदगी अपंगता के साथ बितानी पड़ती है। लेकिन अगर लोग थोड़ी सी सावधानी बरते तो इससे पूरी तरह से स्वस्थ रहा जा सकता है। लकवा के चपेट में आया व्यक्ति पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। अगर अस्पताल स्ट्रोक रेडी कैटेगरी का हो तो व्यक्ति के पूरी तरह ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। रायपुर का NHMMI अस्पताल इसी श्रेणी का है। इस आयोजन में NHMMI के सीनियर डॉक्टर ने बताया कि अगर 4.5 घंटे के भीतर मरीज को अस्पताल पहुंचा दिया गया तो लकवे के अटैक से बच सकता है, उसके सामान्य जीवन जीने की संभावना काफी बढ़ जाती है। बस शर्त ये है कि मरीज को सही समय पर सही अस्पताल में सही इलाज मिल सके। कोई भी शरीर में अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अचानक से हो, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मतलब जैसे हम आवाज़ में लड़खड़ाहट आ जाना या चलने में अचानक से लड़खड़ाहट आ जाना, नज़र का कम हो जाना या एक तरफ खास करके एक तरफ के हिस्से में पैर हाथ में झुनझुनी या कमजोरी आ जाना, तो ये लकवे के लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें जो है बिना देरी किए हमें तुरंत ही जो है अस्पताल या अपने जो निजी चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेना चाहिए कि ये लकवा का लक्षण है, खास करके बुजुर्गों में। आजकल तो 40 वर्ष के बाद भी किसी भी व्यक्ति को लकवे के लक्षण हो सकते हैं ऐसे। दूसरा, जैसे जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनको शुगर और BP की बीमारी है और अनियमित दिनचर्या है, वो लोग इसके लिए ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। तो ऐसी अगर किसी को भी ऐसा लक्षण होता है तो उनको तुरंत ही अपने निकटतम अस्पताल में संपर्क करना चाहिए और खासकर न्यूरोफिजिशियन या फिर अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो समय के महत्व, समय का कितना महत्व है आप समझ सकते हैं कि अगर हम ऐसे किसी मरीज को अस्पताल में 4.5 घंटे के अंदर रिसीव करते हैं और दवाइयाँ देते हैं तो ये पूरी तरीके से रिवर्स किया जा सकता है। तो ऐसी संभावना है, इसलिए जो है हमारा उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो ताकि लोग जो है इसको पहचानें और जल्दी से अस्पताल पहुँचें ताकि वो जो दवाइयाँ हैं जिसे हम थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं वो की जा सके। इसी उद्देश्य से आज का कार्यक्रम किया जा रहा है। NHMMI अस्पताल के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर HP सिन्हा ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक बढ़ती उम्र, शुगर, BP जैसे कई कारणों से होता है, लेकिन अगर लकवे के दौरे के बाद मरीज को सही समय पर NHMMI जैसे स्ट्रोक रेडी अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो सही इलाज से वो सामान्य जीवन जी सकता है, लकवा लगभग पूरी तरह से ठीक हो सकता है। NHMMI अस्पताल में इसके इलाज के लिए सभी जरूरी मशीन उपलब्ध हैं, लेकिन लोग जानकारी की कमी के कारण सही समय पर इलाज नहीं करवाते। कई लोग मरीज को मिट्टी तेल पिलाने जैसे अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। ऐसे में इन सब चीजों को छोड़कर मरीज को सही समय पर अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। देखिए, हर साल वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल एक थीम जारी करता है वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन। इस साल भी इसने एक थीम जारी किया है इस उद्देश्य से कि अधिक से अधिक लोगों को स्ट्रोक के बारे में पता चले, और इस बार का थीम है वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक, मतलब कि हम सब स्ट्रोक पर भारी हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रोक हम पे भारी है। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि हर साल करीब करीब 12 मिलियन मतलब करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, लकवा हो जाता है, और इसमें से 90% जो है वो प्रिवेंटेबल है, मतलब रोका जा सकता है, लेकिन हम रोक नहीं पाते क्योंकि हमें इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। इसके लक्षण क्या ये पता नहीं है, इसे कैसे रोका जा सकता है ये पता नहीं है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये पता नहीं है, कहाँ इलाज कराना चाहिए ये भी पता नहीं है। इसके लिए अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग सुविधाएँ होती हैं। कुछ हॉस्पिटल जो होते हैं वो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल होते हैं। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएँ होती हैं जिससे कि मरीज का अधिक समय जाया नहीं होता, बर्बाद नहीं होता, क्योंकि इस स्ट्रोक में टाइम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर समय पर इलाज मरीज को मिल जाता है तो उसकी ब्रेन की कोशिकाएं जो हैं जो डैमेज हो रही हैं प्रतिपल स्ट्रोक शुरू होने के बाद, वो बच जाती हैं, जिससे कि मरीज को अधिक अपंगता नहीं हो पाती, अधिक लाचारी नहीं हो पाती है। अगर लकवे के दौरे के बाद अगर मरीज को सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए
तो वो अपने बाकी की जिंदगी अपंगता की बजाय सामान्य रूप से जी सकता है। बस इसके लिए अंधविश्वास को छोड़कर जागरूकता का हाथ पकड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।